दिनारा थाना क्षेत्र के बागरोद गांव में एक महिला की मौत तालाब में डूबने से हो गई। दिनारा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बागरोदा गांव की रहने वाली 40 वर्षीय ये गोमा बाई लोधी भैंस चराने के लिए गांव के तालाब किनारे गई हुई थी। जब शाम तक वह घर वापस नहीं आई, इसके बाद परिजनों ने महिला की तलाश शुरू की, जहाँ रात करीब 10 बजे महिला का शव तालाब में उतराता हुआ मिला। बताया गया है कि महिला की भैंस तालाब में उतरी हुई थी, जिसे निकालने की कोशिश के प्रयास में महिला तालाब में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दिनारा थाना पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मर्ग कायम कर शुरू कर दी है। संवाददाता दिनारा से रानू राजपूत की रिपोर्ट।